दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने मेरा जो ब्रॉडबैंड है उसे चेंज किया था। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड। वैसे मेरे पास दो ब्रॉडबैंड्स हैं और हमेशा मेरे पास दो ब्रॉडबैंड्स रहेंगे। एक है एक नॉर्मल केबल कनेक्शन और दूसरा है फाइबर। इसके पहले मैं जो दूसरा फाइबर यूज़ कर रहा था उससे मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं था, उसमें बहुत सारे इशूज़ थे, इसलिए मैंने अब उसे रिप्लेस किया है एयरटेल के साथ में। तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड का। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्यों आपको जो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर सर्विसेज है उसके लिए जाना चाहिए। देखते रहिए। देखिए, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये हैसल फ्री था और काफ़ी जल्दी हो गया था। और क्योंकि ये एक फाइबर कनेक्शन है तो फाइबर केबल यूज़ किया गया है। अब इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, खास करके जो केबल्स है, वो अलग है कंपेयर टू नॉर्मल केबल जो कि आम तौर पे आपने देखा होगा। अभी भी कुछ केबल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। और जब आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलता है, राउटर भी साथ में फ्री मिलता है, और साथ में जो लैन केबल्स है वो भी मिलता है, एक्स्ट्रा लैन केबल। तो ये देखिए, मुझे ये राउटर मिला हुआ है और ये ड्यूअल बैंड राउटर है। अब आपको किस टाइप का राउटर मिलेगा ये प्लान पर भी डिपेंड करता है। इसके पहले मैं अलग फाइबर सर्विस यूज़ कर रहा था और वैसे उसका जो स्पीड है काफ़ी अच्छा था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, मतलब कि सेम टाइप का स्पीड मुझे नहीं मिल रहा था। खास करके जब मैं गेमिंग टेस्ट करता था स्मार्टफोन्स का, तो उस दौरान मैंने महसूस किया था कि कहीं ना कहीं लैग हो रहा था और वो जो नेटवर्क है उसके कारण हो रहा था। मेरे पास जो बैकअप नेटवर्क है उसमें शिफ्ट करने के बाद मैंने वो जो इशू है वो फेस नहीं किया। और एक और इशू ये था कि जो नेटवर्क्स हैं ये काफ़ी टाइम डाउन रहते थे। तो यही कारण है कि मैंने एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर सर्विस है उसके लिए ऑप्ट किया था। और एयरटेल इसलिए क्योंकि एयरटेल के साथ में प्री इंटीमेशन मैसेजेस आपको मिलते हैं। जब कभी कोई नेटवर्क है उसमें कोई अपडेट्स होता है, मतलब कि नेटवर्क डाउन होने वाला है या फिर अगर नेटवर्क कहीं पर डाउन हो गया है तो आपको प्री इंटीमेशन मैसेजेस मिलते हैं। तो आपको पता होता है कि हाँ, जो एयरटेल का नेटवर्क है उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है बैक एंड में। तो आप अपनी तरफ से आपका जो राउटर है उस पर ट्रबल शूटिंग नहीं करने वाले हैं। और ये जो प्री इंटीमेशन मैसेजेस है, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब मुझे ये मैसेजेस मिलते हैं तो मुझे पता होता है कि कब जो नेटवर्क है उसमें इशू आने वाला है, तो मैं अकॉर्डिंगली मेरा जो शेड्यूल है उसे प्लान कर सकता हूँ। कस्टमर सर्विसेज भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इनकेस जो राउटर है जो कि आपको फ्री में मिलता है, अगर उसमें कोई इशू आता है तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट भी मिलता है। तो इसलिए मैंने ये जो एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर सर्विसेज है इसके लिए ऑप्ट किया था। और इसमें आपको बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं। तो मैंने ये जो एक्सट्रीम फाइबर का 200 Mbps का जो प्लान है उसके लिए मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसका जो कॉस्ट है ये मुझे पड़ रहा है 999 rupees पर मंथ। वैसे 499 का 40 Mbps का प्लान भी अवेलेबल है और 1 Gbps का प्लान भी अवेलेबल है जिसका प्राइसिंग है 3999 पर मंथ। एक्चुअली मैं अपडेट करने वाला हूँ 1 Gbps प्लान में जल्दी ही, और उसके साथ में मुझे एक अलग टाइप का राउटर मिलने वाला है। ये जो राउटर मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ ये 200 Mbps वाला जो प्लान है उसके लिए है, लेकिन 1 Gbps का जो प्लान है उसके लिए 6 एंटीना वाला राउटर मिलने वाला है जो कि और भी पावरफुल होगा। यहाँ पे देखिए वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से मैं मेरा जो राउटर है इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है और जो वाईफाई नेटवर्क है उसका स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है, काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो जो गेस्ट वाईफाई सपोर्ट है उसे भी दे सकता हूँ किसी गेस्ट के लिए। और वाईफाई कवरेज का भी ऑप्शन है। ये बेसिकली एनालाइज करता है कि आपका जो घर है वहाँ पर जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो कैसा रहेगा। वैसे मुझे पूरे घर में अच्छा वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है, एक एक्सटेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर टैप करने के बाद देख सकते हैं कि मैं मेरा जो वाईफाई आईडी है और जो पासवर्ड है उसे मैनेज कर सकता हूँ। वाईफाई ऑप्टिमाइज़ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली वाईफाई को ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि घर के हर एक कोने पर आपको अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल पाए। रीबूट भी कर सकते हैं वाईफाई को यहाँ से, वाईफाई को डायग्नोस भी कर सकते हैं इनकेस कोई इशू आ रहा है, और कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो भी आप यहाँ से उसे कर पाएंगे। तो ये है स्पीड टेस्ट, मुझे मिला 204 Mbps और अपलोड स्पीड है तकरीबन 33.9 Mbps जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके पहले जो मैं फाइबर नेटवर्क यूज़ कर रहा था उसके कंपैरिजन में ये जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से मैं जो प्लान्स है उन्हें रिचार्ज भी कर पाऊँगा, प्लस अगर मुझे अपडेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मेरा जो नेटवर्क यूसेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। घर पर टीवी है जो कि जो वाईफाई है उसके साथ में कनेक्टेड है, मेरे पास सिक्योरिटी कैमरा है वो भी वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है, मेरा जो लैपटॉप है डेस्कटॉप है ये भी वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है, मेरे पास जितने भी फ़ोन्स हैं मैं उन्हें वाईफाई के साथ में कनेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट हर एक डिवाइसेज जो मेरे घर में है वो वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग स्मार्ट वाटर प्योरीफायर। तो आज की तारीख में बहुत सारे डिवाइसेज जो हैं ये कनेक्टेड है, और एक स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और जब कभी मेरे पास कोई स्मार्टफोन आता है तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, खास करके गेम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये जो गेम्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं। इनफैक्ट जब कभी मैं लैपटॉप का रिव्यू करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है प्लस जो गेम्स है उसे डाउनलोड करना पड़ता है, और ये जो गेम्स हैं कभी कभार 50 GB के होते हैं, तो बहुत सारा जो डाउनलोड है मेरे यहाँ पर होता है। मोबाइल फ़ोन्स उसमें जो गेम मैं डाउनलोड करता हूँ उसका साइज़ 2 GB का है। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही हाई है, और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और मैंने अकॉर्डिंगली जो प्लान है उसे चूज़ किया हुआ है। इनके अलावा मैं अपलोड भी करता हूँ वीडियोस, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे अपलोड स्पीड कंपैरेटिवली कम है डाउनलोड के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल मैं 200 Mbps का जो प्लान है उसे यूज़ कर रहा हूँ। इस प्लान के साथ में बहुत सारे फ्री या फिर डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शंस भी मिले हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, Z5, और एयरटेल का जो एक्सट्रीम प्ले ऐप है उसे भी मैं फ्री में एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर आप मोबाइल, DTH, फाइबर और लैंडलाइन सर्विसेज सब यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इन सबको एक प्लान में क्लब कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी सर्विसेज हैं ये एक तरह से एक प्लान में क्लब हो जाएंगे और आप वन पेमेंट करने वाले हैं। तो जो एयरटेल ब्लैक है ये है ऑल इन वन प्लान, फाइबर, DTH, मोबाइल जो भी हो कंबाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट दो सर्विसेज या फिर ये तीनों सर्विसेज को एक प्लान में आप क्लब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बिल मिलने वाला है सारे सर्विसेज का, मतलब कि आप एक पेमेंट करने वाले हैं। आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलने वाला है, तो आपके जो इश्यूज हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इनकेस कोई होगा तो। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो प्लान है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपके जो प्लान्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ में काफ़ी बढ़िया रहा। एक तो मुझे बहुत ही स्टेबल कनेक्शन मिल रहा है, प्लस जो स्पीड है ये भी काफ़ी बढ़िया है। अपलोड स्पीड जो है इससे भी मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और बेस्ट चीज़ ये है कि दो बार ऐसा हो चुका है कि जो नेटवर्क है वो कुछ देर के लिए डाउन था, तो मुझे प्री इंटीमेशन मैसेजेस मिल चुका था पहले से ही, मुझे पता था कि ये समय पर वो डाउन होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली मैंने मेरा जो नेटवर्क है उसे स्विच किया था मेरा जो बैकअप नेटवर्क है उसके साथ में, और इमीडिएटली जो इशू है वो भी सॉल्व हो गया था। जब इशू सॉल्व होता है तभी आपको एक मैसेज मिल जाता है कि जो ब्रॉडबैंड है वो अब फिक्स हो चुका है। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपको बेसिकली गेस वर्क करना नहीं पड़ता है जब कभी कोई नेटवर्क का इशू होगा तो। मैं बहुत सारे स्मार्टफोन्स पर गेमिंग टेस्ट करता हूँ, तो उसके लिए भी ये जो नेटवर्क है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्टेबल है, और मुझे लोएस्ट पिंग मिल रहा है गेमिंग के दौरान। मैं ज़्यादा करके जो गेम्स मोबाइल फ़ोन्स पर खेलता हूँ ये मल्टीप्लेयर गेम है, और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर कोई स्टेबल कनेक्शन होगा, पावरफुल कनेक्शन होगा, हाई स्पीड वाला कनेक्शन, तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलता है जो कि मुझे इसमें मिल रहा है। इसके पहले जो फाइबर नेटवर्क मैं यूज़ कर रहा था उसमें मुझे इतना स्टेबल कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो अगर आप घर के लिए एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, इसके लिए आप जा सकते हैं। अधिक जानकारी आपको लिंक में मिल जाएगा जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।